के रुद्रपुर में बिजली विभाग के सीनियर लाइनमैन ने दरोगा पर लगाए 10,000 रुपए जबरन वसूलने के आरोप। बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहे थे लाइनमैन राजाराम। आवाजाही रोकने के बावजूद भी खाकी की हनक के चलते जबरन निकले दरोगा जी। विद्युत पोल से एक पार टूटकर दरोगा जी की निजी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर गिरने से टूटा शीशा। वहीं मौके से और अन्य पुलिस कर्मियों को बुलाकर जबरन पुलिस चौकी ले जाकर डरा धमका कर 10,000 रुपए वसूलने का आरोप। विद्युत कर्मियों ने नवोदय पावर हाउस पर काटा हंगामा, 10,000 वसूल करने और दरोगा पर कार्यवाही करने की मांग की है, नहीं तो हड़ताल पर जाने की धमकी दी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहनूर की रिपोर्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में महिला से हुए गैंगरेप और आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में नया मोड़ आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ग्रामीणों और परिवार वालों की माने तो गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला का चरित्र ठीक नहीं है और महिला की पहले दो जगह शादी हो चुकी थी और करीब 1.5 साल पहले महिला अपनी ससुराल से अपने प्रेमी संग फरार हो गई थी, जिसके बाद इस तरह के आरोप अब सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां महिला ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाया है और न्याय न मिलने पर आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, तो वहीं गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला के पिता, पूर्व सास, ससुर एवं गांव के ग्रामीणों ने पूरी घटना को झूठा बताया और गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला पर उल्टा चरित्र खराब होने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला पर लोगों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा है। वहीं जब इस बारे में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला के पिता रामनिवास से पूछा गया कि आपकी बेटी ने आप पर बेचने का आरोप लगाया है, तो महिला ने पिता से कहा कि जो भी आरोप उन पर लगे हैं वे सब झूठे हैं, वे सब में नाम खराब करा रही है, हमारी बेइज्जती समाज में करा दी है, उन दोनों को जेल भेज देना चाहिए, कभी किसी पर आरोप लगा रही है, कानून को इन्हें सजा देनी चाहिए। वही गैंगरेप के इस मामले को भी महिला के पिता ने झूठा बताया है। इस मामले में महिला के पूर्व पति प्रमोद ने बताया कि महिला का चरित्र पहले से ही खराब था, हमें इस बात का पता नहीं था, हमारी शादी कोर्ट से करा दी गई और 1.5 साल पहले वो अपने प्रेमी संग फरार हो गई और जिस पर गैंगरेप का आरोप लगाया वे सब बेगुनाह हैं और अब फोन करके इनसे पैसा मांगती है। गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला की पूर्व सास भूदेवी का कहना है कि वो पहले से ही बदचलन थी, हमें पता नहीं था, हमने रोक पर रखी थी और उसने कई बार पुलिस भी बुला ली और जो भी आरोप उसने लगाए वो सब झूठे हैं। वही महिला के पूर्व ससुर ने भी ग्रामीणों पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया और पैसा लेने के लिए आरोप लगाने की बात कही है। साथ ही महिला ने जिस गोपाल नाम के ग्रामीण पर आरोप लगाया कि उसका कहना है कि महिला एक बार उसके घर पैसे मांगने के लिए गई थी, जिससे उसकी घरवाली ने मना कर दिया था, उसके बाद ये महिला गाँव से किसी के साथ फरार हो गई। अब हमें मुकदमे में फंसाया जा रहा है, इस मामले में हमने सीओ के सामने भी अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। वही एक ग्रामीण महिला मुन्नी ने भी गैंगरेप के आरोप को झूठा बताया है। फिलहाल मामला ज्यादा बढ़ता देख पुलिस ने रविवार को इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR भी दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि महिला की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें महिला ने गांव के कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस पर भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया था। वरुण, आपकी मम्मी कहाँ पे? किसके साथ? तो आपको पता है कहाँ गई है या फिर कब से नहीं पता आपको? आपको नहीं पता? आपका प्रमोद? प्रमोद जी, आपकी शादी कब हुई राधा से? 2012 में। क्या है पूरा मामला जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या जी है? वो पहले से बेकार थी, धंधा करती थी पहले से, हमें पता नहीं थी जी। हमारी शादी करवा दी गई। अच्छा। कोर्ट में कोर्ट में जी। तो फिर क्या? अब यहाँ से 1.5 साल होगी बग्गी एक लड़के के साथ, फौजी का लड़का। अच्छा। सुरेंद्र फौजी का जी, उसके साथ बग्गी। वो अब ये बेगुनाह है, इनके 14-15 आदमियों का नाम पास रखे हैं उसने जी, बेमतलब की। तो किस चीज को लेकर इन्होंने जो पैसा मांगती है इनसे फोन कर इन पर फोन आते हैं पैसे के लिए? हाँ जी। छोड़ के भागी, तीसरे कहे आठ के कहे, ठीक है ना जी। वो ऐसा बरगला रहे हैं, पैसे ऐठने की सारी बात हो कुछ नहीं। तो ये जो आरोप लगा रही है सब समझाधार है, कोई नहीं है, माहौल गलत बना दिया। हमारा गांव तो सारा परेशान है इससे, कभी 70 आदमी बता दे, कभी 8 आदमी आ जाए, कभी 14 हो जाए, ऐसे चल जा रहा है। ये है बस। नाम आपका? उदयवी। आप क्या लगती हो राधा के सास? क्या है मामला जो वीडियो वायरल का, क्या है? देखो जी, वो पहले से बच्चा रहा नहीं, हमें पता नहीं है, हमने रोक गिरा के भी उन्हें कई बार पुलिस बुला ली जी। और वो ऐसी परेशान करती है जी। बच्चों को भी छोड़ के ऐसी चली जा गई,
तो ये गांव में जो आरोप लग रहा है ये गलत लग रहा है जी, गलत लग रहा है जी, झूठ बोल रही है। तो क्या कारण है जो लगवा रहा है या लगा रहा है, क्या कारण है? अब पता ना जी, वो तो सही पता होगी, 1.5 साल हो गई यहाँ से गई, वो क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। यहाँ से 1.5 साल हो गया जब गए। हाँ जी। नाम आपका? गोपाल नाम है जी। गोपाल जी, क्या मामला है जो आप पे आरोप लग रहा है? ये ऐसा था जी, एक बार हमारे घर गई थी पैसे मांगने जी, पैसे मांगने को हमारी घरवाली ने मना कर दिया जी, क्यों हम भी आदमी इतने मालदार नहीं है कि जो किसी को दे सके। हाँ जी। उसके बाद ये गांव से 1.5 वर्ष पूर्व किसी गांव के ही आदमी के साथ फरार हो गई जी। फरार होने के बाद इसने वो जो इसके साथ गया हुआ है लड़का जी, उस बात को कह के कि गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते, मैं देखूंगा क्या करूंगा, ये उस तरीके की घटना है जी। जी। तो वो कौन है जो उसे साथ ले गया था, क्या नाम है? वो हमारे ही गांव का है जी, कार्तिक पुत्र सुरेंद्र पाल। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे कि हम तो जी झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, ना इसके चक्कर में काम कर पा रहे। सीओ की जांच आई, सीओ साहब के सामने भी हमने बयान दे दिए जी, उनके सामने उसने जो पुराना पति था उसका मृत्यु दिखा रखी है, जिसने जहां इसकी दादा की पहले शादी हुई थी जी, जी वो जीवित है, उसके भी सीओ साहब के सामने बयान करा दिए, उसके माँ बाप के बयान करा दिए। अच्छा, क्या नाम है उसका पहले पति का? पहले पति का नाम है सोनू, हापुड़ में रहता है वो, जहाँ इसकी पहले शादी हुई थी सबसे पहले। यहाँ कितने समय पहले शादी हुई थी? यहाँ लगभग जी, मुझे इतनी पक्की जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा घर भी दूर है काफी इनके घर से, पर लगभग 10 साल के करीब की बताते हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्यागी की रिपोर्ट, हापुड़। हापुड़ में करीब आधा दर्जन दबंगों ने जिम चालक को जमकर पीटा, वहीं फ्री में जिम ज्वाइन कराने से मना करने पर संचालक की जमकर पिटाई की गई। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने जिम में घुसकर जिम संचालक को जमकर मारा, वहीं पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जिम संचालक ने दबंगों के खिलाफ दी थाने में तहरीर, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। थाना देहात क्षेत्र के साकेत में स्थित है जिम। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्यागी की रिपोर्ट, हापुड़। दिनांक 15 मई को देर शाम नौकरी पर जाने को घर से निकले थे 45 वर्षीय व्यक्ति का सड़क किनारे मिला शव। सिटकुल स्थित बालाजी कंपनी में करता था कार्य, संदेहपूर्ण। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी तस्वीर साफ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सितारगंज वार्ड नंबर 10 निवासी रतन सिंह सिटकुल स्थित बालाजी एक्शन कंपनी में ठेकेदार के माध्यम से काम करते थे, जो हर रोज की तरह कल देर शाम भी वहां नाइट शिफ्ट करने अपने घर से कंपनी जाने के लिए निकले और सुबह परिजनों को रतन सिंह का शव मिलने की सूचना मिली। रतन सिंह की 2 बेटी और 2 बेटे हैं। रतन सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वार्ड नंबर 10 में रहते थे। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिटकुल जाने वाले वाहन सिसोना होकर सिटकुल जाते हैं, लेकिन रतन सिंह का शव नकुलिया रोड पर मिला है, तो रतन सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी अनहोनी हो गई? क्या रतन सिंह रात में कंपनी पहुंचे थे या कंपनी पहुंचने से पहले ही रतन सिंह किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए? ऐसे में कई सवाल परिवार और पुलिस दोनों के लिए खड़े हैं, जिनका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। 6:30 बजे हमारे खास पुलिस द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को लाया गया, जिसकी पीआई हमने थाने भेजी, मृत अवस्था में इसे लाया था हॉस्पिटल में, और उसके बाद हमने इसकी पीआई भेजी। अब इसके अटेंडर आ गए, उसके बाद इनका नाम वगैरह पता चला है, तो इनका नाम है रतन सिंह, सन ऑफ बीर सिंह, वार्ड नंबर 10 सितारगंज के रहने वाले हैं। उम्र इनकी लगभग 45 साल थी और एक्सीडेंटल में ही इनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी खाली भेज दी है। शव मिलने की सूचना थाना जबर प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को CHC सितारगंज लाया गया, जहां पर जांच में उसको मृत घोषित किया गया। वह उसके शव के नाम की शिनाख्त रतन सिंह के नाम से हुई, जो वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है। काफ़ी चोटें हैं उसके और उसका पंचायतनामे की कार्रवाई कर दी गई है और सील सर्वे मोहर कर PM के लिए भेजा गया। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए शाहनूर की रिपोर्ट, सितारगंज, उत्तराखंड।